हे गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम आनंद बिहार ISBT। तो आज हम जाने वाले हैं बागेश्वर। वैसे यार कल मैं आया था बागेश्वर के लिए, यार बस फुल थी तो मैं चला गया वापस, और आज हम जाने वाले हैं दोबारा से बागेश्वर, क्योंकि भाई जाना वहीं था, रानीखेत अल्मोड़ा तो हम जा ही चुके हैं। तो बागेश्वर में जो है बागनाथ का काफ़ी फेमस मंदिर है, और बागेश्वर अपने फेमस है ग्लेशियर, नदियों और मंदिरों के लिए। तो आज हमारे पीछे देखिए सामने बस लगी हुई है दिल्ली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उसके बाद फिर मुनस्यारी। तो भाई अभी कंफर्म नहीं है कि ये मुनस्यारी तक जाएगी कि नहीं, फिर हमने कहा चलो बागेश्वर तक जाते हैं। और जो किराया है वो 835 कुछ बता रहे हैं, और मुनस्यारी का जो किराया है यहाँ से दिल्ली मुनस्यारी का वो 1140 रुपये है। पिथौरागढ़ में आपको पता है दो ही हिल स्टेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, एक है पहला धारचूला, दूसरा है मुनस्यारी। तो भाई आज हम मुनस्यारी तो नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाएगा, फिर हमें आगे की तरफ भी निकलना है, लेकिन आज हम बागेश्वर आपको जर्नी लेके जाएंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि भाई बागेश्वर की जर्नी हम क्यों नहीं कर रहे, भाई रिसेंटली आज हम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें आनंद बिहार से रानीखेत, अल्मोड़ा, बैजरो, रामनगर, पिथौरागढ़, लोहागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, काफ़ी सारी जगहों की जो है बसें ऑपरेट होती है, यानी पूरे उत्तराखंड में दो मंडल आपको पता है, जितने भी कुमाऊं मंडल है उसकी बस जो है यहाँ से ऑपरेट होती है आनंद बिहार से, और जो भी गढ़वाल की है जैसे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, बीरूखाल, त्रिपाली सेन, उसकी जो बस है वो ऑपरेट होती है कश्मीरी गेट से। तो भैया आपको भी मैंने बता दिया, अगर आप लोग उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हो तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हल्द्वानी के आगे जो कि पूरा हिली रोड होने वाला है, जो कि आप लोग इन्जॉय करेंगे आगे वीडियो के आगे। तो भाई बाकी दो ड्राइवर इसमें रहने वाले, आपको बता दोस्त अपने जो कैप्टन है वो रहने वाले, क्योंकि भाई 24 घंटे का रूट है तो उसमें एक ड्राइवर तो नहीं चलेगा, बाकी देखते हैं जो भी आगे। भाई बस को काउंटर पे जब लगेगी वहाँ पे अंदर से वगैरह सब आपको अच्छे से दिखाएंगे। और आज हमारी बस जो है दिल्ली से बागेश्वर जा रही है, और इसका किलोमीटर 470 इंटरनेट पे दिखा रहा है, बाकी क्या है आपको बता देंगे, 420, 450 तक तो हम मान सकते हैं, 450-60 तक। ठीक अपने समय 3:30 बजे 158 काउंटर पे नंबर पे लग चुकी है हमारी बस दिल्ली से मुनस्यारी की, और ये साथ में बगल में लगी हुई है दिल्ली धारचूला वाली जो कि आपको पता है, ये दोनों साथ में चलेंगे। इसके बाद 5 बजे दोनों बागेश्वर वाली साथ में चलेगी, एक बागेश्वर ताकुला और एक बागेश्वर दूसरा, पता नहीं वो आप कमेंट में बताओ, वो आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो भाई हर बार की तरह इस बार भी बस में बोर्ड कर लिया है, ड्राइवर केबिन, स्टाफ सीट, ठीक है 2x3 का जो है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वो कि आपको पता है हर बार की तरह। ठीक है, इस बार हमने आज ये सीट आगे के लिए ताकि आपको आगे के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते रहे। ये जो गाड़ियाँ जाती है ना, बस, कार, ये सारे पैसेंजर अभी दिख रहे हैं ना, रात में नहीं मिलेंगे, यही सच्चाई है बस स्टैंड की। दोस्त कोई यूपी जा रहा है, कोई उत्तराखंड जा रहा है, कोई बरेली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। दोस्त गांव से लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से गांव जाते हैं। दोस्त ये लाइफ का एक चक्कर है, ये लाइफ एक सर्कल है, इस सर्कल में हर कोई आता है। चलिए अब सफर को स्टार्ट करते हैं आपके साथ मिलके। तो भाई देख लो मनकोट वाली भी एक और बस आ चुकी है, बागेश्वर कौसानी वाली, और ये हमारी बागेश्वर डिपो दिल्ली बागेश्वर मुनस्यारी, उसके अलावा दिल्ली धारचूला, उसके अलावा गंगोली हट दिल्ली। तो भाई आज तो बसेस है, लेकिन कल क्या हुआ था ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए भाई चलते हैं, भाई 10 मिनट रह गए डिपार्च होने के लिए। ऑन टाइम 4:30 बजे हमारी बस निकल पड़ी आनंद विहार ISBT से, साथ ही दिल्ली धारचूला वाली बस, दिल्ली गंगोली हाट और दिल्ली पिथौरागढ़ वाली भी, और हमारी दिल्ली बागेश्वर मुनस्यारी वाली, यानी दिल्ली से 4:30 बजे कुल 4 बसें निकल पड़ी अपने अपने सफ़र पर। क्या है 4:30 बजे ही बस निकल चुकी थी आनंद बिहार ISBT से। भाई बाहर आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ, तो वही है, थोड़ा सा क्रॉस करते हैं फिर दिखाते हैं आपको कुछ अच्छे व्यू, और बाकी हल्द्वानी के बाद में अच्छे नज़ारे आने वाले हैं। और अभी मैंने टिकट पे देखा पीछे 448 किलोमीटर है दिल्ली से बागेश्वर। बस का सफ़र शुरू होते ही हमारे बस में चलने लगे बॉलीवुड सॉन्ग्स, जिन्हें सुनना तो हमारे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बट आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा ना। बाकी देखिए ये बस गई दिल्ली गंगोली हट वाली जो कि पिथौरागढ़ डिपो की है।
फिर हम पहुंचे अपने सफर के पहले टोल पर। आई होप आप लोगों को व्लॉग में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है, पूरा सफ़र अभी बाकी है, तो देखिए दोस्त बहुत मज़ा आने वाला है। बस में कभी चल रहे थे पंजाबी गाने, कभी 90s के, कभी बॉलीवुड के, जिसने मज़ा और दिल दो गुना छू लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 6:42 पे बस ने लिया है हॉल्ट, वॉशरूम ब्रेक के लिए लिया हुआ है, मतलब जो भी डिनर हॉल्ट होगा वो आगे होगा, ठीक है। तो 10 से 15 मिनट यहाँ पे बस रुकी हुई है रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जर्नी के दौरान आप देख रहे होंगे कि आगे का जो शीशा है थोड़ा सा वैसा है, तो थोड़ा सा आप लोग चला लेना काम यार, बाकी पूरी कोशिश करेंगे यार लाइट, और उधर से आते समय लाइट भी रिफ्लेक्ट करती है, तो थोड़ा सा चला लेना। यही जगह है भाई यहाँ पे रुकी हुई है 10 से 15 मिनट के लिए बस। टाइम था इसका 4:30 निकलने का। उसके अलावा गंगोली हाट वाली देख रहे हो, ये लगी हुई है, दो पिथौरागढ़ वाली है, एक है टनकपुर वाली, एक वो हल्द्वानी होके वाली, दूसरी वो लगी हुई है धारचूला वाली, ठीक है, वो भी हल्द्वानी थल होके जाएगी। बचपन का वो दिन याद तो होगा ही ना, जब बस हॉल्ट पे भी नहीं रुकती थी और हमें वॉशरूम पहले ही आ जाता था कि बस को रुकवा दो प्लीज वॉशरूम करना है। उसके बाद जिद होती थी, नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, मुझे कोको कोला ही चाहिए, मुझे चिप्स ही चाहिए, तो वो सारी जिद आज ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि घर का खाना बेस्ट है मेरे दोस्त। आपके लिए कॉफ़ी ले लिया कि चेक करके बताएंगे कैसा टेस्ट है, कैसा यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो कैसा रहेगा। ठीक है भाई, कॉफ़ी ठीक ठाक है भाई, आज मिल गई, वरना मुश्किल से मिलती है इतनी ठीक ठाक, ठीक है। बाकी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। 15 मिनट का हॉल्ट था, वॉशरूम ब्रेक, और इसको चाय वगैरह पी थी उन लोगों ने, पी ली। बाकी खाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया आगे रुकेंगे, तो आगे आज खाना पीना खाएंगे और आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा है। बाकी मैं खाता नहीं हूँ, बहुत ही कम खाता हूँ, बट आप लोग कहते हो कि भाई खाया करो, थोड़ा हमें भी पता चलेगा उससे कि कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं, तो ठीक है चलिए। फिर हमारी बस में चल जाता है 90s का एक ऐसा सॉन्ग जिसे मैं नहीं आप भी सुनते हैं और बहुत सुनते हैं। अब कौन कौन इस वीडियो को छोड़ के जा रहा है, नहीं जाओ यार। इसके बाद एक और मेरा फेवरेट गाना चला जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो देखो यहाँ पे जो भीड़ लग रही है ना, ये भीड़ नहीं, ये है रामपुर का रेलवे स्टेशन। तो हाँ भाई, फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं रामपुर। फिर हम बड़े आगे की तरफ,
और पूरा रास्ता अब अंधेरा ही हो गया जैसे। अब और भी मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी आने वाला है हल्द्वानी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कैसे खाना खाना पड़ गया भारी वो दिखाएंगे, और साथ ही अभी तो माउंटेन का व्यू भी बाकी है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ बज चुके हैं और हमारी बस ने अभी ब्रेक लिया है, डिनर मतलब डिनर हॉल्ट लिया है यहाँ पे। भाई खाना पीना आप लोग खा सकते हो, बाकी देखिए कुछ अगर मिलता है तो मैं भी खाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बस हमारी आधा से पौने घंटा कम से कम रुकेगी, क्योंकि भाई लोग आराम से खाना पीना खाएंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे। और बाकी जर्नी तो भाई अच्छी चल रही है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बस में कुछ बोल तो नहीं रहा मैं, उसका रीज़न क्या है भाई, आपको पता कैबिन है तो थोड़ा सा आवाज़ आता है, कैबिन में आवाज़ आती है, ठीक है, तो ऊपर से वॉइस ओवर कर देंगे, तो उसका आप इन्जॉय ले। बाकी अभी हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, ऐसे कम से कम दो घंटा या ढाई घंटा और लगेगा, तो 12 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे हल्द्वानी। तो देखो भाई रोटी भी आ चुकी है, तो फाइनल हो चुकी है कम्प्लीट थाली, तो खाते हैं भाई, इसके बाद आपको बताते हैं कैसा है एक्सपीरियंस, चेक करते हैं पहले, है ना। दाल मखनी वाली दाल तो लग रही है, अभी पनीर की ग्रेवी चेक करते हैं कैसी है। पनीर की सब्जी है लेकिन ग्रेवी ज़्यादा मुझे लगा नहीं। UTC की काफ़ी सारी बसें यहाँ पे रुकती है, जैसे पिथौरागढ़ वाली, हल्द्वानी वाली, धारचूला, मुंशियारी। तो दोस्तों यहाँ पे इतने खाने की सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है, वॉशरूम के नाम पे एक ही वॉशरूम है जो कि इतना अच्छा नहीं है और अनहाइजीनिक है यहाँ पर सब कुछ। तो UTC को इस चीज़ को देख के आगे बदलाव करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। खाना पीना खा के ऊपर आ गए हैं, एंड भाई जैसे मैंने पहला चम्मच खाया मुझे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद का खाना सारा फीका फीका सा था, मतलब खाने में कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। पनीर ऐसा लगा था पता नहीं कितना पुराना है भाई, और दाल मखनी बोल रहे थे लेकिन वो दाल मखनी किसी एंगल से नहीं थी, और शाही पनीर तो वो लग ही नहीं रहा था, बाकी जो भी है ना। एंड आगे की अभी ट्रिप करेंगे, अगर आप लोग आ रहे हो तो भाई मैं तो ये कहूँगा घर से खाना पीना लाओ और उसी को इन्जॉय करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं भाई, घर का खाना सबसे बेस्ट है। ठीक आधे घंटे बाद हमारी बस फिर चल पड़ी हल्द्वानी की तरफ, लेकिन हल्द्वानी से पहले भी रुद्रपुर आएगा। रुद्रपुर 49 और हल्द्वानी 78 किलोमीटर था, उससे पहले जाम लग गया इसलिए हमारे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, जहाँ से हमारी बस चल तो रही थी लेकिन गड्ढे बहुत सारे थे, तो दिक्कतों का सामना करके कैसे ना कैसे करके हम मेन रोड पर पहुँचे। UTC की ये बस 15-12 सी थोड़ा सा तेज़ भागती है हमारी बस 16-13 से, क्योंकि इसकी स्पीड खुली होती है और हमारी 80 पे लॉक रहती है। UTC की बहुत सारी बसें आज भी रोडों पर चल रही है पुरानी वाली, तो अब उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वैसे तो इस बस का रूट दिल्ली बागेश्वर मुंशियारी है, लेकिन मुंशियारी में रोड कंडीशन ठीक ना होने के कारण हमारी बस अभी बागेश्वर तक ही जा रही है। वैसे इस बस में दो कैप्टन हैं, जो कि एक कैप्टन हमारे दिल्ली से अल्मोड़ा तक लेके जाएंगे, उसके बाद अल्मोड़ा से ड्राइवर चेंज होंगे, जो कि दिल्ली धारचूला, गंगोली हाट, वाया पिथौरागढ़ वाली जितनी भी बसें हैं उन सब के कैप्टन सर अल्मोड़ा में चेंज हो जाएंगे। कहीं कहीं हल्द्वानी में भी होते हैं और कहीं कहीं अल्मोड़ा में भी होते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर हम पहुंचे रुद्रपुर 11:09 पर। अब हल्द्वानी यहाँ से 1 घंटा ही दूर है। अब बोर होने वाली कैसी बात है सुने दोस्त, जब बस में चल जाए ना 90s के वो पुराने सॉन्ग, जिसने दिल और मन दोनों जीत लिया हो तो कैसे हम सफ़र को बोर कर सकते हैं। अभी पहुंचेंगे हल्द्वानी, उसके बाद में हिली रोड तो अभी बाकी है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हल्द्वानी दिल्ली नॉन स्टॉप सुपर लग्जरी वॉल्वो UTC की। 11 बजे तक लास्ट टाइम है हल्द्वानी से दिल्ली का बस का। रुद्रपुर से हल्द्वानी पूरा रास्ता जंगली है। 8 महीने पहले मैंने यहाँ पे हाथी भी देखा था, रुद्रपुर से हल्द्वानी वाले रोड पे बीच में, जो कि पूरा जंगल एरिया है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं हल्द्वानी शहर में और हल्द्वानी बस स्टैंड भी। रात के 12 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी हल्द्वानी। ठीक है, अभी यहां से हमारी जो बस का रूट रहने वाला है वो हल्द्वानी अल्मोड़ा, जहां पे हमारे ड्राइवर साहब जो है कैप्टन साहब चेंज हो जाएंगे, उसके बाद फिर बागेश्वर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी यानी कुमाऊं का द्वार। कुमाऊं में हल्द्वानी को हल्द्वानी कहा जाता है। 12 से 12:30 के बीच में दिल्ली धारचूला, दिल्ली मुंशियारी और दिल्ली बागेश्वर वाली बसों की सर्विस होती है, जो कि 12 बजे अपने टाइम से निकलती है और सुबह सुबह पहुंचा देती है। लेकिन जो मुंशियारी और धारचूला है वो शाम को ही 4 या 5 बजे के करीब पहुंचती है दोनों बसें, क्योंकि दिल्ली से मुंशियारी का जो रूट है वो 24 आवर का है और दिल्ली धारचूला भी 24 घंटे ही लगाती है। फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच में दिल्ली से रानीखेत अल्मोड़ा वाली बसें आती है और देहरादून से भी। ये आ गई हमारी दिल्ली धारचूला वाली बस। और धारचूला नेपाल बॉर्डर भी है और उत्तराखंड से काफ़ी बॉर्डर है नेपाल के, जैसे धारचूला, झूलाघाट और टनकपुर वाया बनबसा। फिर मॉर्निंग में आती है दिल्ली नैनीताल वाली बस 5 बजे, जिसका हमने ब्लॉग भी बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और देहरादून से भी। अगर आप लोग कैंची धाम की यात्रा करना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से अल्मोड़ा रानीखेत वाली बस में बैठ जाना है, वो आपको कैंची धाम पर उतार देगी। ये आ गई हमारी अल्मोड़ा डिपो की बस बागेश्वर भद्रकाली वाली। इसका टाइम हमसे कुछ 15 मिनट आगे होगा। कहना कि उधर आइए, देखो ये अभी आई है दिल्ली धारचूला वाली, फिर ये मुंशियारी वाली, ये गंगोली हट दिल्ली वाली। तो भाई देख लो एक और बस आ गई है अल्मोड़ा डिपो की बागेश्वर वाली। देख लो टाइम वही 12:15 हो चुका है, अब हमारी यहाँ से बस निकलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो बागेश्वर का किलोमीटर है वो है हल्द्वानी से जो बागेश्वर है 160 किलोमीटर है, और दिल्ली से हल्द्वानी कम से कम ये मान लो लगभग 250 से 300 होगा। तो वहाँ से आने में भी 8 से 9 घंटे के बीच में लग गए, और यहाँ से भी वहाँ जाने में 8 से 9 घंटे लगेंगे। उसका रीजन आपको मैं बताता हूँ क्या। देखो पहाड़ों पे थोड़ा सा रोड टेढ़े मेढ़े होते, तो उसमें से वहाँ पे जो है 1 किलोमीटर थोड़ा लंबा पड़ता है और प्लेन में सीधा पड़ता है, तो जल्दी पहुँचती है, तो यही कारण है। बाकी चलो फिर 12:30 बजे हमारी बस निकल पड़ी हल्द्वानी से। हल्द्वानी से ऊपर नैनीताल काफ़ी पास में है और घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। पहाड़ों में ट्रेन नहीं चलती है, इसलिए आपको हल्द्वानी या काठगोदाम रेलवे स्टेशन आना होगा। लास्ट स्टेशन काठगोदाम है रेलवे का, उसके आगे पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर हम पहुँचे फ्यूल भरवाने।
अभी टाइम हो रहा है 12:44 और यहाँ पे सारी बसें आई हुई है, यहाँ पे डीजल रिफिल हो रहा है, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगी भैया होने तो। और मौसम तो रंग बदल रहा है, पता है बागेश्वर पहुँचते पहुँचते ठंड हो जाएगी। फिर हमारी बस फ्यूल भरवा के आगे की तरफ निकल पड़ी, वही 90s के पुराने गानों के साथ में। चलिए अब यहाँ से ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए पहुँचते हैं बागेश्वर। बागेश्वर से पहले बहुत सारी जगह आएंगी और रोचक बातें करते हुए हम पहुँचेंगे बागेश्वर। पहाड़ की खूबसूरती तो है ही है, पर साथ में ये मंदिर मिल जाते हैं ना रास्ते में, देख के इतना सुकून मिलता है ना। फिर हम 2 पहुँचे भवाली। भवाली से कैंची धाम की दूरी 8 है। दोस्तों अगर आप कैंची धाम नहीं जा सकते या नहीं पहुँच सकते, गाड़ियाँ फुल हैं, तो आप लोगों को भवाली तक आ जाना है, और भवाली से 8 है और मॉर्निंग में काफ़ी सारी गाड़ियाँ अल्मोड़ा की तरफ जाती है, कोई सी भी गाड़ी में आप बैठ सकते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर को जाते रहेंगे वैसे ही ठंडी बढ़ती जाएगी, और ठंड लगने लगी मुझे भी, लेकिन मैं गर्म कपड़े अपने साथ नहीं लाया था। अगर आप लोग आ रहे हो अभी पहाड़ के टाइम, तो आपको गर्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे। जब हमारे दिल्ली में गर्मियाँ पड़ती है, तब देवभूमि उत्तराखंड में ठंड पड़ती है। यहाँ के पहाड़ों में हमेशा ठंड रहती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मियों के मौसम में दोपहर में हल्की गर्मी रहती है, लेकिन सुबह ठंड तो ठंडी रहती है। तो देख लो भाई 3:30 हो रहे हैं, 3:30 अल्मोड़ा भी यहाँ से 7 है, बस रुकी हुई है यहाँ पे। आपको पता ही अल्मोड़ा से पहले रुकती है यहाँ पे, बाल मिठाई है ना फेमस, उसके लिए। ये है धारचूला वाली, ये अपने मुंशियारी वाली लगी है। देख लो चाय ले लिए, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप लोग इस समय आ रहे हो कपड़े लेके आना, आप लोगों को पता ही है भाई, आप लोगों का गाँव है अल्मोड़ा रानी के, तो आप लोग लेके आओगे भाई। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना, बाकी चाय पीते हैं फिर निकलते आगे। मॉर्निंग का वक्त हो और गाड़ी यहाँ ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है अल्मोड़ा से 7-8 पहले। यहाँ पे अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई, लोग जितने भी अपने गांव जाते हैं वो यहाँ से मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, धारचूला, काफ़ी सारी बसें यहाँ पर रुकती है और अपने गाँव जाने के लिए मिठाई और सामान वगैरह ले जाते हैं। फिर ये धारचूला वाली बस निकल पड़ी और ये गंगोली हट वाली भी निकल पड़ी। अब हमारी बारी है। चार बज के 14 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी अल्मोड़ा। यहाँ से हमारे मतलब दोनों बस के तो ड्राइवर चेंज होंगे, उस बस का मुझे नहीं पता। आई थिंक अगर आप लोगों को पता हो गंगोली हाट वाले का भी शायद चेंज होता होगा मेरे ख्याल से, बाकी धारचूला और इसका मुंशियारी का तो पक्का है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, 4:30 हैं और हमारी बस भी अब निकल चुकी है यहाँ से। ड्राइवर हमारे कैप्टन जी चेंज हो चुके हैं। अल्मोड़ा से थोड़ा आगे निकलने के बाद ये हमें कुछ व्यू मिला। दोस्तों ये पूरे पहाड़ है और पहाड़ पे बने घर। दिन हो या रात, पहाड़ की खूबसूरती को कोई बयान नहीं कर सकता। तो कभी आओ पहाड़ घूमने।
अब हल्का हल्का उजाला भी होने लगा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह के 6 बज रहे हैं और हम ताकुला से थोड़ा सा आगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुका हुआ है। ब्रेकफास्ट तो क्या ही बोले, 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रुका हुआ है, ठीक है। बाकी ठंड बहुत हो रही थी तो मैंने हुडी डाल ली, पता ही आपको भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से 1.5 से 2 घंटा और लगने वाला है बागेश्वर, जहाँ तक हमारी जर्नी रहने वाली है। बाकी भाई जाके वहाँ पे देखे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना हो सके मैं उतना करूँगा भाई, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, बाकी जो भी। दोस्तों, अल्मोड़ा तक तो मैं कितनी बार आपको नज़ारे दिखा चुका हूँ, अभी ताकुला से बागेश्वर के बीच का जो नज़ारा है वो एकदम सीनिक है। मैं चाय पीने जा रहा था, यूजुअली यहाँ देख के आकर्षित हो गया। ऐसे नज़ारे तो सिर्फ गांव में ही मिल सकते हैं, तो इसे देख के हमें अपने गांव की भी काफ़ी याद आई। और सुबह सुबह चल रहे थे वजन, ठंड ज़्यादा लगे इससे पहले हम लोग चलते हैं चाय पीने। तो भाई देख लो, चाय ले लिए, यहाँ पे ऐसी मिलती है गिलास में। बाकी सामने देखो कितने सारे घर भी दिख रहे होंगे आपको, तो चाय पीते फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ नज़ारे ताकुला से बागेश्वर के बीच में, पूरे पेड़ से घिरा हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ पहाड़। ये आ गई बागेश्वर बरेली वाली बस। बागेश्वर से देहरादून बरेली दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा चलाई जाती है और हल्द्वानी के लिए भी। फिर हम चल पड़े आगे की तरफ। दोस्तों, बागेश्वर डिपो काफ़ी समय पहले ही बन गया था, लेकिन बागेश्वर डिपो का जो उद्घाटन है वो 2021 में हुआ था। पहाड़ों की संस्कृति और पहाड़ों का सफ़र दिखाने के लिए हमारे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस हैं। जितने भी चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप ऐसी वीडियो का मज़ा सबसे पहले उठा सकें। पहाड़ों पे ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा था दोस्त। अगर आप लोग UTC की बस में सफ़र करना चाहते हैं तो UTC.online से बुकिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। UTC के कई सारे रूट्स के बारे में UTC की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप एक बार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम ID है सुनील कार्की ब्लॉग्स के नाम से। सामने देख सकते हैं हिमालय का वो दृश्य, कितना प्यारा दृश्य है। जब मैं बस में सफ़र कर रहा था ना, ये दृश्य सामने से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे बागेश्वर और दोस्त सफ़र भी ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम बार बार मिलेंगे ना। जो भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, आपको कमेंट में पता है क्या टाइप करना है, 1111।
जो भी बंदा 111 टाइप करेगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि उसने मेरी वीडियो यहां तक देखी है, और जिसने टाइप नहीं करा मैं समझ जाऊंगा कि उसने मेरी वीडियो यहां तक नहीं देखी। तो फटाफट से जाइए कमेंट में और कर दीजिए 111 टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूरा सिंगल लेन रोड है, जिसकी वजह से दो गाड़ियाँ पास होने में काफ़ी दिक्कत आती है। सामने से बस आ रही है और हमारी बस ने साइड दे दिया है, नहीं तो बस को निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी बस निकलेगी। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बागेश्वर, और ये आप नदी देख रहे हैं, इसका नाम है सरायू नदी। जो भी लोग बागेश्वर से देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर 8:08 पर हम पहुंचे बागेश्वर। दोस्तों बागेश्वर में बागनाथ का मंदिर और बैजनाथ का मंदिर भी काफ़ी फेमस है। बागनाथ का मंदिर यहीं आसपास है जहां पे मैं अभी जाने वाला हूं, और बैजनाथ का मंदिर यहां से 28 किलोमीटर दूर है। तो भाई देख लो, दिल्ली से लेके बागेश्वर हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। आजकल ये बस यहीं तक है, बागेश्वर तक ये से आगे मुंशियारी नहीं जा रही, क्योंकि पैसेंजर है नहीं, पूरी बस खाली है भाई अंदर से। ठीक है, तो चलो भाई यहीं तक था आज का सफ़र। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आप लोगों को 8:08 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं बागेश्वर। पीछे बस स्टैंड था आपने देखा, और आगे था रोडवेज बस स्टैंड, जो कि बहुत दूर है यार बागेश्वर से। ठीक है, वो शायद बस आएगी तो ही उसका डिपो है, शायद बस स्टैंड डिपो। ठीक है, बागेश्वर डिपो का जो बस स्टैंड है वो वहाँ पे है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो दोस्त खाली हाथ मत जाना, इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, और जो सबसे मेन है वो है सब्सक्राइब, उसको दबा के जाना, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हैं। एक सेकेंड लगेगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कम से कम 5 दिन का टाइम लगा है, 2 दिन ट्रैवल में, 1 दिन थंबनेल में, और 2 दिन एडिटिंग में, तो 5 दिन हो गए। तो दोस्त एक लाइक का बटन हमें और मोटिवेट कर सकता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए आज का सफ़र हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन YouTube का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों। चलिए मिलेंगे नए सफ़र पर। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, एक बागनाथ का मंदिर सामने है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर लो जिसने नहीं करे। बाकी बैजनाथ का मंदिर यहाँ से 24 या 25 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप लोग आ रहे हो बागेश्वर तो जा सकते हो। और जितने भी लोग ये बागेश्वर से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट में बागेश्वर लिख दो, और भाई आपने बोला हम बागेश्वर भी आ गए, और आप कहाँ की जर्नी करनी वो बताओ। ठीक है, बाकी अब ठीक है, इस ब्लॉग को करेंगे एंड, और मतलब कुछ खाएंगे पियेंगे चलेंगे, है ना, उसके बाद ब्लॉग को करेंगे एंड और निकलेंगे वापस अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, बाकी यार बहुत कुछ जर्नी हमने प्लान करी थी कि आगे आगे करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, आगे मुंशियारी वाली जो वो बस थी वो मुंशियारी आगे गई नहीं, क्यों, क्योंकि भाई पैसेंजर थे नहीं, इसलिए बागेश्वर तक ही आई। और बाकी भी आज वो यार हमें भी बागेश्वर ही आना था। ठीक है, मुंशियारी का भी और ही चलेंगे भाई, है ना। बाकी आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, बाकी बस आप लोग हो तो हम भी हैं, जी रहे हैं बाकी, है ना। तो चलिए भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और बाकी कुछ खाएंगे पियेंगे, और बाकी जो भी है थोड़ा बोला छोटा मोटा सीन वो आपको दिखा दूंगा मैं, आगे पीछे करके डाल दूंगा। तो चलिए भाई कुछ खाते पीते फिर। तो देखो भाई, सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ इस तरीके का है। ये है भाई छोले, पराठे, दही, और ये सैलेड भाई। ठीक है, मैं खाता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं।